Students of class 8, you have asked about weeding again and I am explaining the same. देखो सबसे weeding से पहले हम बताते हैं कि weeds क्या होते हैं. Weeds are the extra plants or you may say undesirable plants that grow with the main crop. A plant crop तो कोई और लगा रहा है लेकिन उसके साथ अगर कोई भी weed grow कर गया, कोई extra plant grow कर गया है जो वो नहीं चाहता, या फिर कई बार क्या होता है फार्मर अपने फील्ड को कुछ टाइम के लिए वैसे ही छोड़ देता है ओपन खुला, ठीक है, जिसे हम फेलोइंग भी बोलते हैं. छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे सेवन में भी कि भाई कई बार क्या होता है जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के बाद हार्वेस्टिंग के बाद जो है फार्मर चाहता है कि नेचुरल वे में ही उसकी उसका जो फील्ड है वो अपने आप ही न्यूट्रिएंट गेन कर ले, ठीक है, उसकी जो नीड है न्यूट्रिएंट नीड है वो अपने आप ही कवर अप हो जाए. क्योंकि अगर क्रॉप के बाद क्रॉप वो ग्रो करता रहता है फार्मर तो धीरे धीरे फील्ड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते चले जाते हैं. तो फेलोइंग मेथड है, फेलोइंग मेथड में क्या होता है उसे वैसे खुला छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ ग्रो नहीं करता फार्मर थोड़ी देर के लिए फील्ड में, एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद फील्ड को छोड़ देता है. उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या होता है कुछ अनडिजायरेबल प्लांट मतलब अपने आप ही ऐसे कुछ भी प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं, ठीक है, ग्रास वगैरह या बाकी वीड्स वगैरह जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं वो ग्रो होते रहते हैं, ठीक है. तो फार्मर क्या करता है जिस टाइम टिलिंग करने लगता है, प्लोइंग करने लगता है, जब अब उसे रेडी करना है फिर से अपनी सॉइल को, वो चाहता है कि अब फिर से मैं क्रॉप प्रोडक्शन करूँ, तो वो जो प्लांट अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो कर गए हैं, वीड्स ग्रो कर गए हैं, वो टिलिंग के टाइम, प्लोइंग और टिलिंग आर सेम, ठीक है, वो जब मिट्टी को खोदेगा तो वो जो वीड्स होते हैं वो जड़ के साथ उखड़ के वापस उखड़ जाते हैं. तो वो क्या करता है चाहे तो उन्हें मल्च कर सकता है, मल्च मतलब उन्हें डिकम्पोज करके उन्हें पीस के किसी भी तरह से फील्ड में मिक्स कर सकता है वापस, ठीक है, जैसे उसने फील्ड को अपना उसकी सॉइल को लूज किया उसके साथ वो उनको मल्च कर देगा तो क्या होगा सॉइल को न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, ठीक है. लेकिन कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, ठीक, वो कई बार मेन क्रॉप के साथ जैसे क्रॉप ग्रो कर रही है उसके साथ ही वो वीड्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक. अब उस टाइम क्या फार्मर कर सकता है उनको ऑब्जर्व करके खुरपी से उतार सकता है, खुरपी जो मैनुअल मेथड हो गया हमारा, ठीक है, और ये टिलिंग और प्लोइंग तो अभी भी मैंने बता ही दिया आपको. और तीसरा कई बार मतलब फार्मर को ये लगता है कि कई बार कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनके साथ पर्टिकुलर वीड्स ग्रो कर ही जाते हैं और वो क्रॉप के लिए अच्छे नहीं होते. देखो जब भी कोई चीज़ ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली वो सॉयल में से पानी मिलेगी, मिनरल्स मिलेगी और जो स्पेस वगैरह फील्ड के अंदर जो मेन क्रॉप को मिलना चाहिए कुछ वो वीड्स भी वो जगह ले लेंगे, स्पेस ले लेंगे. अब जब स्पेस लेंगे तो ऑटोमेटिकली अंडर अर्थ भी वो अपनी रूट्स को बनाएंगे तो अंडर अर्थ भी जो वाटर वाटर है मिनरल्स है सॉइल में से एब्जॉर्ब करेंगे, स्पेस ले रहे हैं तो उससे क्या होता है जो मेन क्रॉप होती है वो कुछ हद तक इफेक्ट हो जाती है. तो फार्मर ये कभी भी नहीं चाहता कि उसके फील्ड्स में मेन क्रॉप के साथ वो वीड्स ग्रो करें, ठीक है. तो वो फार्मर क्या करता है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडिसाइड स्प्रे कर देता है. तो वीडिसाइड्स क्या होता है, इट इज ए केमिकल मेथड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, ठीक है. इसमें वो जैसे फर्टिलाइजर वगैरह स्प्रे करता है ना उसके साथ वो वीडिसाइड्स भी स्प्रे कर देता है. वो वीडिसाइड्स जो होते हैं वो वीड्स को ग्रो नहीं होने देते या कहीं ग्रो हो गया है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. क्योंकि अगर कोई भी वीड पॉइजनस है तो वो पॉइजनस वीड जो होगा वो क्रॉप को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ में अगर हमने उसे गलती से कंज्यूम कर लिया साथ में क्रॉप के साथ कट डाउन हो गया किसी भी तरह से किसी एनिमल ने उसको कंज्यूम कर लिया उस पॉइजनस वीड को तो वो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है. तो इसीलिए कई बार ये वीडिसाइड नेसेसरी भी हो जाते हैं, केमिकल मेथड है टू स्प्रे देम इनटू द फील्ड ताकि वो वीड्स जो है वो हमारे ग्रो ना करें. तो वीडिंग करने के लिए, वीडिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स, वीडिंग इज रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को हटाना, ठीक है. और वीड्स क्या होते हैं, पहले पहले अभी मैंने तुम्हें कई बार बता दिया, वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप, ठीक,
एक्स्ट्रा प्लांट जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, दीज आर वीड्स, और उनका रिमूवल जो है, उनको जो हटाना है, दैट इज नोन एज वीडिंग. अब वीडिंग कैन बी डन बाय थ्री मेथड्स. एक तो प्लॉइंग के टाइम पहला काम, दूसरा बाद में अगर फार्मर को दे दिया तो खुरपी मैनुअली खुरपी की हेल्प से हटा सकता है. तीसरा वो वीडिसाइड स्प्रे करके केमिकल मेथड है उससे भी वीड्स को खत्म कर सकता है इन द फील्ड्स, ताकि जो हमारी मेन क्रॉप हो वो हेल्दी हो. जो स्पेस मेन क्रॉप को मिलना चाहिए उसी को मिले, वाटर एंड मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में मिले, प्रॉपर अमाउंट में एयर मिले, वो ठीक से ब्रीथ कर सके. क्योंकि जब प्लांट्स होते हैं ना वो क्राउडी हो जाते हैं, क्राउडी मतलब एक कम जगह पे बहुत सारे एक प्लांट्स का ग्रो कर जाना, तो उससे क्या होता है वो कहीं ना कहीं क्रॉप इफेक्ट होती है. क्योंकि ना तो वो ढंग से ब्रीथ कर पाती हैं, उसकी रूट्स ढंग से पेनिट्रेट नहीं हो पाती, उन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता, प्रॉपर अमाउंट में वाटर एंड मिनरल नहीं मिलते, तो वो मेन क्रॉप इफेक्ट होती है. दैट्स वाई दीज वीड्स शुड बी रिमूव्ड, एंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग. तो ये मैंने दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी लगे दोबारा दे सकते हो. ओके, थैंक यू.